राष्ट्रीय सेवा योजना JCCC इकाई ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया। छात्रों ने हमारे देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए संदेश में अपने जज्बात लिखे हैं कि घर से दूर रहकर भी वे देश की रक्षा करते हैं, जबकि वहां परिस्थितियां विषम होती है। हम घर में सभी तीज त्यौहार और पर्व मनाते हैं और उन्हें इस दौरान छुट्टी भी नहीं मिल पाती। हमारे जवान देश की सेवा के लिए सालों साल अपने घरों से दूर रहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए NSS ने यह पहल की है कि हम भले ही उनके पास सीमा पर ना जा सके, लेकिन उन जवानों को संदेश के माध्यम से यह याद दिला सकते हैं कि हम भी उनके साथ हैं। इसी भावना के साथ छात्रों ने पोस्ट कार्ड के जरिए अपना संदेश उन जवानों तक पहुंचाया है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन से मैं डॉक्टर कामेश श्रीवास्तव। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए आज हम सब जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, NSS ग्रुप हैं, सभी वीरों को हमारे जो सबूत हैं वो जो डटे रहते हैं बाउंड्री पे और उनकी वजह से हम सब निश्चिंत रहते हैं, उन तक अपनी सद्भावनाएं अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं एक पोस्ट कार्ड के जरिए। उस लेटर में हमने अपने मन की बात लिखी है और उन सभी को याद करते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी वजह से हम सब निश्चिंत और स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं और निश्चित रूप से हमारी भारतीय सेना ने जो हमारी देश की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को चलाई थी, आज उसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम बहुत सारे साल भर में त्योहार मनाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे डे मनाते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक डे हमें मनाना चाहिए और भारतीय सेना के उन वीर सपूतों को याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए जो अपना घर परिवार और सब त्योहार छोड़ के केवल हमारी रक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं। हमारे घर में हमारा जीवन बहुत ही सुलभ और सुखमय होता है, लेकिन वहां पे यदि राजस्थान की सीमाओं पे जाके देखें तो यहां के वातावरण से वहां का वातावरण बहुत गर्म होता है।